दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बनारस के दुर्गा कुंड मंदिर को दिखा रहा हूँ। जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, इस भव्य मंदिर का नाम दुर्गा कुंड है और इस मंदिर के नाम पे ही इस स्थान का नाम भी दुर्गा कुंड ही रखा गया है। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ही तरफ दो लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक कतार जो करीब दुर्गा मंदिर के बगल में मानस मंदिर है वहाँ से लगभग शुरू हो रही है और जो दूसरी तरफ से कतार है उसकी शुरुआत दुर्गा कुंड के पास एक बड़ा सा कुंड है वहाँ से हो रही है और कतार में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। और इस समय चूँकि अंधेरा हो चुका है इसलिए कृत्रिम रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है। बड़ी बड़ी सर्च लाइटें लगी हुई हैं जिससे अंधेरा का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है और मंदिर के चारों तरफ फूल मालाओं की बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं जहां से भक्तगण अपने आवश्यकता के अनुसार फूल माला और प्रसाद आदि खरीद रहे हैं। यह मंदिर बनारस कैंट से करीब 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पे है और ऑटो से बहुत ही आसानी से इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ऑटो वाले प्रायः कैंट से दुर्गा कुंड आने का 20 से 25 रुपये किराया वसूलते हैं और अगर आप लंका जहां पे कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थित है वहां से अगर आप ऑटो से आना चाहें तो कोई भी ऑटो वाला 5 रुपये में आपको इस मंदिर के पास तक छोड़ देगा। और चूँकि मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक आदि की समस्या न उत्पन्न हो इसलिए जो पुलिस है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था ने यहाँ पे आम गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया है। सिर्फ भक्तगणों को ही आने की इजाज़त दी गई है। रोड की दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी वाहन दोपहिया चार पहिया या साइकिल को जाना अलाउ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ भक्तगण दर्शन करने हेतु मंदिर में आ सकते हैं या इस रोड की तरफ आ सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कतारें काफ़ी लंबी लगी हुई हैं और यह शाम का समय है, करीब 7:30 बज रहे हैं और चारों तरफ अच्छा खासा प्रकाश है और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ पे भी भक्तगण आपको नज़र आ रहे हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे प्रवेश द्वार की तरफ और यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से मंदिर के अंदर का नज़ारा हल्का हल्का दिख रहा है और यहाँ पे एक प्रवेश द्वार के पास ही प्राचीन शिव मंदिर है। और अब हम बढ़ेंगे मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ और उसके प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें देवी की प्रतिमा का दर्शन होगा। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मंदिर की प्रतिमा की तरफ जो दुर्गा जी का है। और आज नवरात्र का पहला दिन है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो पहले दिन भीड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है। भक्तगण नवरात्र के पहले दिन दर्शन पूजन को विशेष महत्व देते हैं और इसका विशेष महत्व है भी। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और भक्तगण प्रवेश करने से पूर्व सीढ़ियों को प्रणाम करके अपनी श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। यह मंदिर के प्रवेश द्वार की दाएं तरफ एक छोटा सा मंदिर है और अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और भक्तगण अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्रवेश द्वार पे काफ़ी
काफ़ी भीड़ है और भक्तों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कितने देर में भक्तगण अंदर पहुंच जाते हैं। अब चूँकि जो मंदिर का मुख्य कक्ष है जहाँ पे देवी जी की प्रतिमा रखी गई है, वहाँ पे फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ की वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये मंदिर के चारों तरफ का जो एरिया है, जिसे आप बरामदा भी कह सकते हैं और जिसका यूज मंदिर का प्रदक्षिणा करने के लिए किया जाता है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है मंदिर के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना। और ये मंदिर के चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी साजो सज्जा की गई है और झालर झिलमिला रहे हैं। और अब बारी है मंदिर के विशालकाय गुंबज की, बहुत ही अद्वितीय अप्रतिम नज़ारा। और यहाँ सचमुच स्वर्गीय एहसास हो रहा है, इतना सुंदर नज़ारा। यह सिर्फ मंदिर की भव्यता को ही नहीं बयां कर रहा है, बल्कि यह नवरात्र के पावन समय के कारण भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। नवरात्र के समय देवी की शक्ति जागृत रहती है और इस शक्ति का प्रभाव भी इस मंदिर को ज़्यादा आकर्षक बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपने चैनल पे हर तरह की वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।